हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, डाल्टन्स के पोस्टुलेट के बारे में, और साथ ही एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे। और अगर और टाइम मिल गया, लेक्चर अगर बड़ा नहीं होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एलिमेंट के सिंबल भी आपको बता दूं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेसन चल रहा है, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ एटम को कंप्लीट किया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कंप्लीट किया, और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को और एटॉमिक साइज को। और टाइम मिला तो सिंबल भी देखेंगे एलिमेंट्स के, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, और मैं बता दूं, जिन्होंने पिछला लेक्चर या पिछला वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप पिछला वीडियो देखो अगर आपको अच्छे से समझना है तो, वरना आपकी मर्जी। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ डाल्टन एटॉमिक पोस्टुलेट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जानना चाहते हो तो आप बने रहो, यहां पे मैं आपको बताता हूं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। उससे पहले मैं रिमाइंड करा दूं कि हमने इस लेसन में सबसे पहले पढ़ा था कि एटम क्या है। तो मैंने बताया था बेटा, एटम जो है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट। मैटर को आप डिवाइड करते जाओ, एक ऐसा वक्त आएगा कि हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और वही है हमारा एटम। उसमें मैंने बताया था कि एटम के बारे में सबसे पहले किसने सोचा था, सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनन ने सोचा था। कितने गर्व की बात है, किसने सोचा था बेटा, इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनन ने। उसके बाद धीरे धीरे ग्रीक साइंटिस्ट भी शामिल हुए, लाइक डेमोक्रेटस, उसके बाद फिर एरिस्टोटल, और भी अलग अलग साइंटिस्ट आए, और फिर उन्होंने अपने अपने उन्होंने एटमिज्म के बारे में, एटम के बारे में अपनी अपनी राय दी। फिर बाद में, क्योंकि किसी के पास वेरिफिकेशन नहीं था, फिर लॉज आया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। उसमें उन्होंने वेरीफाई किया, एटम के एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने की कोशिश की। सही बात तो यह है कि पूरी तरह वेरिफिकेशन नहीं मिला, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पूरी तरह एटम के एग्जिस्टेंस को, एटम के होने को पूरी तरह वेरीफाई नहीं कर पाया, ठीक है। तो किसने किया, तो आगे धीरे धीरे, अभी वक्त है बेटा, पूरी स्टोरी है, धीरे धीरे। अभी उसके बाद फिर डाल्टन आए, जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, उसके बाद डाल्टन आए, जिन्होंने 1808 में डाल्टन ने क्या दिया, पोस्टुलेट दिया। पोस्टुलेट का मतलब होता है अजम्पशंस। उन्होंने कुछ चीजों को अज्यूम किया कि ऐसा हो सकता है, और कुछ पॉइंट्स रखे, उसी को हम बोलते हैं डाल्टन पोस्टुलेट्स, डाल्टन के पोस्टुलेट्स, अजम्पशंस, या बोलते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि एटम के ऊपर उन्होंने कुछ थ्योरीज दी, जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उससे पहले आपको बेटा जरूर जानना चाहिए कि डाल्टन कौन थे। डाल्टन एक महान साइंटिस्ट थे, ठीक है। और अगर हम एटोमिज्म के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले एटोमिज्म, एटॉमिक थ्योरी के फादर, अगर एटॉमिक थ्योरी की बात किया जाए तो एटॉमिक थ्योरी के फादर हैं डाल्टन। डाल्टन, मैं आपको बता दूं, डाल्टन इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड के, और उनकी पैदाइश, उनका जन्म 1766 में हुआ था। आप मैं बता दूं कि वो बिल्कुल गरीब घर से थे, वो वीवर फैमिली से थे। वीवर पता है ना, मतलब बुनकर, जुलाहा, कपड़े बुनने वाले। सोचो कितनी पुअर फैमिली से बिलोंग करते, लेकिन उन्होंने अपना स्ट्रगल, अपना मेहनत, अपनी कामयाबी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। मतलब पूरा स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया, और फिर आज हम उनको पढ़ रहे हैं। इस चीज को समझो, आज हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही सेक्रीफाइस अगर बच्चों हम आज करेंगे, आप लोग अगर यही सेक्रीफाइस आज करोगे, तो फ्यूचर में हो सकता है आपका भी नाम इसी तरह किताबों में हो, और आने वाले फ्यूचर के जेनरेशन पढ़े। सोचो कितना प्राउड फील होगा। तो उन्होंने कितनी मेहनत की, आपको मैं बताऊं, जो हमारे डाल्टन जी थे, उन्होंने 12 साल की उम्र से टीचिंग स्टार्ट कर दिया था, 12 साल की उम्र से उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, और फिर जब 27 साल की उम्र में पहुंचे तो उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, और उस कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। और फिर उसके बाद 1794 के बाद उन्होंने एटम के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया, और फाइनली 1808 में उन्होंने पोस्टुलेट दिए, कुछ थ्योरी दी एटम से रिलेटेड, जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और मैं बता दूं, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपका एग्जाम होगा तो इस चैप्टर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये बनेगा ही बनेगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डाल्टन्स का पोस्टुलेट। तो आइए देख, हम जानते हैं कि डाल्टन ने क्या क्या बातें की, ठीक है, क्या देखेंगे कि डाल्टन ने क्या क्या बातें की। ध्यान रखो, मैं आपको यहां पे ध्यान रखो बच्चों,
बता रहा हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट जो डाल्टन ने एटम की डिफिनेशन दी, जो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। क्या पहले बेटा लिख देता हूं यहां पे, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, या फिर आप बोल लो ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, ये मैटर है मार्कर। मैंने बताया है आपको पहले ही कि मैटर क्या होता है, हर वो चीज जिसमें वजन हो और जो जगह छेके। इसमें कुछ ना कुछ वजन है, ये कुछ ना कुछ जगह छेकेगा, यहां पे रखूंगा तो कुछ ना कुछ जगह छेकेगा, तो मतलब ये मैटर। छोटी सुई भी मैटर, छोटी सुई से लेके एक बड़ा हाथी, सब मैटर है बेटा, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ वजन है और वो जगह छेक रहा है। तो इस मैटर का सबसे छोटा पार्ट, उसको डिवाइड करते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, एक ऐसा वक्त आएगा कि आप उसको नहीं तोड़ पाओगे, और वही वक्त है, वही चीज है एटम। तो क्या है बेटा, वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का या किसी एलिमेंट का बोल लो। अब एलिमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, मैं फिर से बता दे रहा हूं जिनको एलिमेंट नहीं पता है। एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? एलिमेंट उस सब्सटेंस को बोलते हैं। सबसे पहली बात, तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है। क्यों कोई मिलावट नहीं है? क्योंकि वो एक ही टाइप के एटम से बना है। एलिमेंट को अगर मैं बोलूं तो एलिमेंट इज मेडअप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट क्या होता है? जो बना होता है सेम काइंड ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम से। यानी कि एलिमेंट हम उसको बोलते हैं जिसको आप डिवाइड करो, जिसको आप तोड़ोगे तो कोई दूसरी चीज नहीं मिलेगी। जैसे एग्जांपल, आप अगर एल्यूमिनियम को तोड़ोगे तो क्या सोना मिलेगा? नहीं भाई। आप लोहे को तोड़ोगे तो चांदी मिलेगा? नहीं। लोहे को तोड़ोगे तो लोहा मिलेगा, सोना को तोड़ोगे तो सोना मिलेगा, चांदी को तोड़ोगे तो चांदी मिलेगा। अगर मेरे पास ये लोहे का एक, मान लो आयरन का लोहे का एक ब्लॉक है, अब मैं क्या इसको ब्रेक करूंगा, छोटे छोटे टुकड़े करूंगा इसके, तो क्या मुझे गोल्ड मिलेगा क्या, सोना मिलेगा क्या? नहीं बेटा, मुझे आयरन ही मिलेगा। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट, जो बिल्कुल प्योर हो, मतलब इसका सबसे छोटा पार्ट जो एटम होता है वो भी आयरन हो, वो भी आयरन हो। और यही बात करूं मैं वाटर की, तो वाटर को जब हम तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है, और इसीलिए ये कंपाउंड, इसको हम कंपाउंड बोलते हैं। तो अगर आप एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मेरा एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप वहां जाके उसको देख लें और फिर यहां पे आके देखें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, वरना अभी तो मैंने शॉर्ट में तो बता ही दिया। अगर काम चल रहा है तो जाने दो, एलिमेंट कंपाउंड के बारे में शॉर्ट में मैंने बताया। तो एलिमेंट बेटा जो होते हैं, टोटल 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड येट, मतलब ऐसी वो चीज जिसको तोड़ने पर एक ही चीज मिलती है जो पूरी तरह प्योर हो, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये देखने वाले हैं। और मैं आपको एलिमेंट्स के 1 to 20 एलिमेंट्स आपको बताऊंगा, ठीक है, और ट्रिक से बताऊंगा ताकि आप अच्छे से इसको लर्न कर सको, आपके लिए लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो, है ना। हर कोई चाहता है कि ट्रिक मिले, जल्दी से याद हो जाए, तो आपको मैं ट्रिक दूंगा तो फिर आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे, ठीक है। अभी देखिए, पहला उन्होंने क्या बोला, पहला पोस्टुलेट, पहला पॉइंट क्या बोला कि एटम जो है ना, क्या है, किसी भी मैटर का, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। उसके बाद बेटा दूसरा जो पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट है कि एटम इज इंडिविजिबल। एटम क्या है? इंडिविजिबल, इंडिविजिबल मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। उन्होंने बोला कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। किसने बोला? डाल्टन जी ने बोला, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, उसको हम और तोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद तीसरा पोस्टुलेट था, देखो दो ही तो याद हो, ऐसे ही हो गया सर। पहला क्या है? पहला क्या, चलो बोलो मेरे साथ, पहला क्या है? पहला क्या है सर? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, याद हो गया। दूसरा क्या है? इट इज इंडिविजिबल। एटम क्या है? इंडिविजिबल, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। कम से कम जब एग्जाम में अगर आएगा तो कम से कम चार पॉइंट लिखना, मैं आपको 5-6 पॉइंट्स दे दे रहा हूं, आप बस चार पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरी चीज, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं याद है कोई बात नहीं। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिनको याद है फटाफट बोलो क्या? हाँ, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास को, वजन को, इस चीज का अगर वजन 50 ग्राम है तो ये 50 ग्राम ही रहेगा, चाहे इससे कोई नई चीज बनाओ आप,
है ना, इसका अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल रिएक्शन में कोई नई चीज बन रही है तो उसका वजन सेम रहेगा, कोई भी तब्दीली कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मैंने बताया था कि अगर मैं इसको मान लो जलाऊं, इसको जलाने के बाद अगर ये ऐश बन जाता है, ऐश राख, और इससे जो धुआं निकला स्मोक और जो डस्ट पार्टिकल यहां से निकला सबको इकट्ठा कर लो, जमा कर लो, 50 ग्राम अगर इसका वजन था तो हमारा इसको जलाने के बाद भी सारी चीजों को इकट्ठा करोगे तो 50 ग्राम ही आएगा। मतलब मास को हम ना तो बर्बाद कर सकते हैं ना तो पैदा कर सकते हैं। तो उन किसी भी मैटर के बारे में उन्होंने बोला कि मैटर के मास को या मैटर को हम या तो बर्बाद नहीं कर सकते या तो पैदा नहीं कर सकते। उसी चीज को यहां पे अप्लाई किया डाल्टन ने और बोला कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब उन्होंने बोला कि एटम को जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको भी ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये भाई अभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास कंजर्व होता है, जमा रहता है, वो कभी भी बर्बाद नहीं होता है, बस चेंज होता रहता है फॉर्म। अभी ये मार्कर है, जलने के बाद ये राख बन जाएगा, राख के फॉर्म में, धुएं के फॉर्म में, है ना, डस्ट पार्टिकल के फॉर्म में अलग अलग हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो आप दूध से दही बना दिए तो दूध था, दूध में आपने मान लो दूध में थोड़ा सा दही मिलाया ताकि पूरा दही बन जाए, अब वो पूरा दही बन गया तो आपने जितना दूध लिया था और जितना दही मिलाया था दोनों को अगर दोनों का वजन जोड़ो और बाद में जो दही बना उसका भी वजन आप निकालो तो दोनों का वजन बराबर आएगा, 0.00001 का भी फर्क नहीं आएगा, है ना। मतलब मास जो है वो कंजर्व है, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो बस ट्रांसफॉर्म होता है किसी दूसरे चीज में, बर्बाद नहीं होता है, वो बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। तो उसी चीज को उन्होंने एटम के लिए अप्लाई किया। देखिए बहुत दिमाग वाले थे, सारी थेरीज के बारे में स्टडी किया और सबका मिला के एक साथ कर दिया और अपना नाम बना लिया उन्होंने, ठीक है। तो भाई देखिए कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। आप भी एक दिन फ्यूचर में साइंटिस्ट होंगे, बस आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझ के पढ़ना पड़ेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो उन्होंने फोर्थ पॉइंट बोला कि सेम साइज मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर एलिमेंट हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, मान लो हाइड्रोजन छोड़ो, मैं कोई ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जो आपको मालूम हो, जैसे एल्यूमिनियम, ये मान लीजिए एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, ये पूरा भी एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, तो इसके अंदर भाई कितने करोड़ों अरबों एल्यूमिनियम होंगे, है ना, इसके अंदर करोड़ों अरबों एल्यूमिनियम होंगे, तो भाई बहुत सारे एल्यूमिनियम के एटम होंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर ये एल्यूमिनियम बहुत सारे जो एटम होंगे तो हर एक एटम का साइज सेम होगा। उन्होंने बोला कि हर एक एटम का साइज सेम होगा और हर एक एटम का मास सेम होगा। ये वाले एटम जो, ये एटम मान लो एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, तो ये एटम का जितना मास आएगा, जितना वजन होगा, उतना ही वजन इसी एटम का होगा, उतना ही वजन इस एटम का भी होगा, उतना ही वजन इस एटम का भी होगा, और वैसा ही साइज इस एटम का होगा, उतना ही साइज इस एटम का होगा, और जो प्रॉपर्टी ये एटम दिखाएगा वही प्रॉपर्टी ये एटम दिखाएगा। अरे एल्यूमिनियम का ही तो है ना। अब एग्जांपल ले लो, आप लोहा का छोटा टुकड़ा ले लो या लोहा का इतना बड़ा टुकड़ा ले लो, अगर वो मैग्नेट से चुंबक से चिपकता है तो चाहे इतना बड़ा लोहा लो या इतना बड़ा लोहा लो, वो तो चिपकेगा ही ना चुंबक से, अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी ना चेंज कर देगा। तो वही हम बोल रहे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। ये किसने बोला, डाल्टन ने बोला। ये था उनका फोर्थ पोस्टुलेट। अब इसी को अपोजिट फॉर्म में उन्होंने क्या बोल दिया कि डिफरेंट एलिमेंट अलग अलग जो एलिमेंट रहेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज। अब अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनका अलग अलग साइज होगा। अभी मान लो ये एल्यूमिनियम का लिए हो और यहां पे आप ले लियो आयरन का, लोहे का, तो भाई एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम के एटम का वजन अलग होगा, आयरन के एटम का वजन अलग होगा, है ना, दोनों अलग अलग चीजें तो वजन अलग अलग होगा। अरे भाई मेरा वजन कुछ अलग होगा और आपका वजन कुछ अलग होगा, जरूरी थोड़ी ना हमारा आपका वजन हो सकता है आप में से कोई तगड़ा हो, अच्छा खासा, मस्त हो सकता है, कोई दुबला हो
हो सकता है ना, सबका वजन अलग अलग है। उसी तरह एल्यूमिनियम के एटम का और आयरन के एटम का अलग अलग होगा। उन्होंने बोला डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज, डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सिक्स पॉइंट में लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बोला। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहां पे इसको ब्लू पेन से लिखा है। एक्चुअली ये जो है ना, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो देखो ना, उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रखा, बस उन्होंने उसको एटम के रिस्पेक्ट में बनाया। मतलब उन्होंने जो पोस्टुलेट दिया उसमें दोनों लॉ का यूज किया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दोनों लॉ का यूज किया। कौन कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और क्या था हमारा, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी यूज किया, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। क्या लॉ था बेटा ये लॉ ये था कि सर पानी आप कहीं से भी लाओ, अगर वो पानी प्योर है, आप कहीं से भी लाओ, नदी से लाओ, तालाब से लाओ, समुद्र से लाओ, कहीं से भी लाओ, वो पानी का फॉर्मूला H2O होगा। समझा? क्या होगा? H2O। फटाफट बोलो क्या होगा? H2O। यहां ध्यान रखो बच्चों, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां ध्यान रखो। तो H2O क्या होगा फॉर्मूला? H2O मतलब हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम, तभी वो वाटर होगा। मतलब अगर वो प्योर है तो आप कहीं से भी लाओ, सोर्स कुछ भी हो, प्योर कंपाउंड के अंदर जो एटम होंगे उसका कंपोजिशन, उसका प्रोपोर्शन फिक्स होगा। मतलब वो फिक्स अमाउंट में होंगे, प्रोपोर्शन मतलब उसका कंपोजिशन कितने अमाउंट में है ना। हाइड्रोजन के दो ही एटम होंगे और ऑक्सीजन के एक एटम होंगे, तभी जाके वो पानी बनेगा, तभी जाके वो वाटर कहलाएगा। ठीक है, तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रोपोर्शन जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, ठीक है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किया था। तो उन्होंने क्या बोला कि इन, ऐसा बोल दो, अ केमिकल कंपाउंड, अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, कैसे बना है वो, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन और फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। उप्स, मुझे ये ब्लू पेन से लिखना था, कोई बात नहीं, मतलब ये दोनों लॉ है, ऐसा समझ में रख लो। तो अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। मतलब कहने का मतलब, अगर कोई केमिकल कंपाउंड बना है तो कैसे बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, एटम के कॉम्बिनेशन के, किसके एटम, एलिमेंट के एटम। हाइड्रोजन क्या एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या एलिमेंट है, तो उनके कॉम्बिनेशन से, और वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड कंपोजिशन में होना चाहिए, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होना चाहिए बाय मास। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यहां पे हाइड्रोजन का वन पार्ट और ऑक्सीजन के एट पार्ट है, और हाइड्रोजन का एक भाग और ऑक्सीजन का आठ भाग। जैसे मान लो ये पूरा कोई चीज है, अब इस चीज के अंदर आठ भाग में ऑक्सीजन होगा, पूरा आठ भाग में, एट पार्ट्स में ऑक्सीजन होंगे, और सिर्फ एक वन पार्ट में हाइड्रोजन होगा, है ना। हमने देखा था हाइड्रोजन का वजन जो था वो 2 ग्राम था, और ऑक्सीजन का जो था वो 16 ग्राम था। तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 1/8 मतलब 1:8 के रेशियो में, या फिर ऐसे बोल समझ लो, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम, तभी वो वाटर बनेगा, इसका कंपोजिशन फिक्स होगा। और ये है हमारे डाल्टन के पोस्टुलेट्स। क्या ये हमारा डाल्टन का पोस्टुलेट्स? तो डाल्टन ने यही पोस्टुलेट्स दिए थे बेटा। अब इसमें से आपको सिर्फ चार ध्यान में रखने हैं, दो तो आप ऐसे याद कर सकते हो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से है, दो तो ऐसे याद कर सकते हो, और ये दो आप याद कर सकते हो। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एटम जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का, ठीक है, समझ में आया। फटाफट मेरे साथ बोलो, पहला पॉइंट क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, वेरी गुड, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, एटम इज इंडिविजिबल, उसको तोड़ नहीं सकते, कट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, एटम को ना तो तोड़ सकते हैं ना तो बर्बाद कर सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट, अगर एक ही एलिमेंट का एटम रहेगा तो उसका वजन भी एक सेम रहेगा, उसका साइज भी सेम रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी।
अगर अलग अलग एलिमेंट करेंगे तो अलग अलग साइज होगा, अलग अलग मास होगा, अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसके जो एटम्स होंगे उसके अंदर वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे, एक फिक्स्ड कंपोजिशन में होंगे। ये था हमारा डाल्टन्स का पोस्टुलेट। उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। याद हुआ ना? हाँ याद हो गया बेटा, होना चाहिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, घर पे एक बार रिवाइज करना तो हो जाएगा। तो ये डाल्टन्स पोस्टुलेट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं कि हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स कितने बड़े हैं, क्या है एटम का साइज। तो मैं इसको इरेज करता हूं, यहां पे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, वक्त अगर मिला तो हो सकता है इसको इरेज करूं मैं। यहां ध्यान दीजिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभी हाउ बिग आर एटम्स। सर आपने तो बोला एटम बहुत छोटे होते हैं, इतना आप डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो डिवाइड नहीं होगा। तो सर वो कितने बड़े होते होंगे एटम, क्या साइज होता होगा उसका। तो देखिए एटम का साइज समझने से पहले आप ये समझिए कि एटम जो है ना उसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। एटम जो होता है ना उसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। अगर दुनिया की कोई भी सबसे छोटी चीज, दुनिया की कोई भी चीज लो, जो भी चीज जो होगी जो सबसे छोटी होगी उसका शेप स्फेरिकल ही होता है। उसका शेप जो होगा, कोई भी अगर छोटी चीज होगी तो आप देखना वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है। बाय द वे हमको इसके बाद वाला जो चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, वहां पे हमको डिस्कस करना है कि एटम का शेप स्फेरिकल है और इसके शेप के बारे में और भी बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे थोड़ी और डिटेल में। फिलहाल बस समझ लीजिए कि एटम का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। और हम जानते हैं बेटा इस गोले के अंदर अगर ये सर्कल फॉर्म में है तो यहां पे सेंटर होता है ना, सेंटर होता है। तो एटम के सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखिए एटम के सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेसन में मैं न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में बताऊंगा, अभी फिलहाल समझिए कि जो इसका सेंटर होगा उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे और इसका शेप स्फेरिकल होगा। तो बताओ बेटा ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस, वैसे पढ़े हो ना रेडियस, त्रिज्या, रेडियस बोलते हैं इसको। ये डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है, रेडियस होता है। तो एटम की साइज जो है ना, क्योंकि एटम का शेप स्फेरिकल होता है तो एटम की साइज उसके रेडियस से निकाली जाती है। एटम की साइज उसके रेडियस को मेजर करके निकाली जाती है। जैसे मैं बोल दूं कि ये हाइड्रोजन का एटम है तो इसका रेडियस क्या होगा, ये होगा, ये रेडियस है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एटम का साइज जो होगा, साइज ऑफ एटम, वो ये रेडियस होगा। जैसे मान लो इसको आर वन, तो साइज ऑफ एटम क्या होगा हाइड्रोजन का, आर वन मान लो, है ना। मतलब उसका साइज कैसे निकालेंगे, उसके रेडियस से निकालेंगे। इतना छोटा साइज होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, और कम होगा 1 सेंटीमीटर, आपका स्केल निकालो, स्केल में 1 सेंटीमीटर निकालो, फटाफट निकालो, निकाले। अब उस 1 सेंटीमीटर को आप ड्रॉ करो, ये 1 सेंटीमीटर आप देखो, उस 1 सेंटीमीटर का मैं कॉपर ले रहा हूं, कॉपर तांबा, 1 सेंटीमीटर का कॉपर ले रहा हूं तांबा, उस 1 सेंटीमीटर के कॉपर के अंदर 35 करोड़ एटम होते हैं। कितने, 35 करोड़ एटम होते हैं बच्चों, 35 करोड़, है ना, इतने एटम्स होते, सोच लो 1 सेंटीमीटर के कॉपर में इतना ज्यादा एटम। तो आप सोचो हम, हमारे पास इतने बड़े बड़े हमारे सामने एलिमेंट्स दिखते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक दिखते हैं, सोचो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, शायद हम काउंट भी ना कर पाए। तो अभी देखो एटम की साइज कितनी छोटी है। अगर मैं आपको हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के एटम की साइज है, हाइड्रोजन के एटम की साइज है 0.037 नैनोमीटर, 0.037 नैनोमीटर। इतने छोटे हैं ना कि हम इसको मीटर में मेजरमेंट नहीं करते हैं, नैनोमीटर में। नैनोमीटर क्या होता है, तो ध्यान रखिए कि नैनोमीटर, मैं यहां पे बेटा नोट कर रहा हूं, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10^-9 मीटर। मतलब क्या, मतलब ये कि 1 नैनोमीटर का मतलब होता है आप 1 को डिवाइड करो 10^9 से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 1 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 1 को इतने बड़े नंबर से डिवाइड करना है। अभी जैसे देखिए ना 4 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 4 2 आता है। तो यही है हमारा क्या बेटा 1 नैनोमीटर का मतलब,
जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं 10^-9, ठीक है, मतलब 1/ इतना, मतलब 1/ ये मीटर में आता है। तो 0.0378 मीटर का मतलब क्या होगा, 0.037 upon 10012345678 9, इतना छोटा, जस्ट इमेजिन कि कितना छोटा है। उसी तरह कार्बन का 0.077 नैनोमीटर, कार्बन का अगर मैं बताऊं तो 0.077 नैनोमीटर, थोड़ा सा इससे बड़ा है, देखो यहां 37 है, यहां 77 है, थोड़ा सा बड़ा है। तो अलग अलग, अभी देख भी रहे हैं हम, अलग अलग एलिमेंट के एटम के अलग अलग साइज हैं। तो एटॉमिक, इसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक साइज, क्या बोलते हैं इसी को, जो हमने देखा ये है एटॉमिक साइज। तो अगर आपसे कोई पूछे एटॉमिक साइज क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड, एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक रेडियस को देखकर। तो सर एटॉमिक रेडियस को देखकर हम उसका साइज बताएंगे, ठीक है। एटॉमिक साइज के बारे में कुछ वैल्यूज कुछ भी याद नहीं रखनी है, अभी मैंने लिख दिया 0.037, ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, डोंट वरी, ना ही आपको कोई वैल्यू याद रखनी है। बस आपको समझना है कि एटम जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनकी साइज जो होती है वो बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि हम उनको नैनोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। मतलब 0.00000009 तक चले जाओ, फिर मीटर लगा दो, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये किसके बाद हुई, एटम के साइज के बाद। तो अब डाल्टन ने ये पोस्टुलेट भी दे दिया एटम की साइज के बारे में पता चला, लेकिन डाल्टन का पोस्टुलेट बेटा फेल हो गया, डाल्टन का पोस्टुलेट फेल हो गया, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉबैक्स, मतलब कुछ कमियां थी। क्या है वो कमियां, तो आइए समझते हैं कि डाल्टन जो है ना वो उनके ड्रॉबैक्स क्या है, मतलब उनके फेल्यूर के पीछे क्या रीजन है। फेल्यूर तो मत बोलो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी पढ़ रहे हैं, और उन उस टाइम में जिस टाइम में उन्होंने बताया था भाई, उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी, समझ रहा है, उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इसको भाई फेल्यूर तो मत बोलो भाई, है कि नहीं, ड्रॉबैक्स इसको बोलते हैं, ड्रॉबैक्स कि क्या क्या चीज कमी आई, बाद में क्या क्या पता चला। तो बाद में पता चला कि एटम्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो हो सकता है जब मैंने आपको स्टार्टिंग में एटम के बारे में बताया हो, तो मे भी आप ऐसे कुछ लोग जानते होंगे कि एटम को भी डिवाइड किया सकता है, हो सकता है उनके मन में चल रहा हो, लगता है सर तो गलत बोल रहे हैं यार, बोल रहे हैं एटम को डिवाइड ही नहीं कर सकते, एटम को डिवाइड ही नहीं कर सकते, जबकि एटम को डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने जो बोला कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं, वो डाल्टन के अकॉर्डिंगली बोला, डाल्टन जी ने ऐसा बोला था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे एलिमेंट, जैसे महर्षि एलिमेंट बोला, बहुत सारे फिलोसोफर जैसे महर्षि कनद ने, है ना, उसके अलावा डेमोक्रेटिस ने, इन लोगों ने ये बोला कि भाई एक लिमिट है, उसी लिमिट तक हम किसी भी चीज को डिवाइड कर सकते हैं, उससे आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तभी तो हमारे एरिस्टोटल ने बोला था क्या बकवास है ये, है ना, कुछ भी बोल रहे हो। और कहीं ना कहीं एरिस्टोटल ने अगर ये बोला कि क्या बकवास है ये, तो मतलब अभी वो थोड़े थोड़े सही हो रहे हैं, देखो ना, कि मतलब एटम को डिवाइड कर रहे हैं। तो एटम को डिवाइड किया गया, पता चला, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको, जो हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ना है इसके बाद वाले लेसन में, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसमें, उसमें इतना ज्यादा हीट, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दिया, इतना ज्यादा वोल्टेज दिया, मतलब 10,000 वोल्ट से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहां पर दिया गया, और प्रेशर को एकदम कम कर दिया गया उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। और फिर उन्होंने देखा कि एटम भी डिवाइड है, एटम को भी डिवाइड कर सकता है। तो पता चला कि एटम जो है वो मेनली बेसिक तीन चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बच्चों इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। तो अभी इनका क्यों फेल्योर हुआ, तो एटम्स जो है उन्होंने बोला कि डिवाइड नहीं हो सकता, जबकि एटम्स खुद कुछ अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना था। एटम्स खुद देखो ना, बेसिक तीन पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अभी जब आगे पढ़ेंगे आप, तो ये फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है, मतलब एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के अलावा और भी चीजें से मिलकर बना है, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं, और भी चीजें आपको आगे पढ़ना है, तो आगे क्लास में जाएंगे तो मैं बताऊंगा। फिलहाल बस जो एटम है वो उसके वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन तीन चीजों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव चार्ज भी बोलते हैं, माइनस चार्ज। मे बी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, बट डोंट वरी, नेक्स्ट लेसन में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में।
तो इलेक्ट्रॉन्स को बेटा माइनस चार्ज से दिखाते हैं, प्रोटॉन को प्लस चार्ज से, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब सर अब ये चार्ज चीज क्या होता है? अरे भाई सब्र रखिए, वक्त आएगा, ठीक है ना। अगर मैं चार्ज के बारे में एक्सप्लेन करने जाऊँ तो ये चैप्टर भी नहीं हो पाएगा हमारा, पूरा टाइम इसमें ही लग जाएगा। तो आगे हम देखेंगे ही, घबराइए मत इसके लिए। फिलहाल बस समझिए कि उन्होंने बोला था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि एटम को डिवाइड कर सकते हैं। एटम जो है उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। लेकिन याद रखिए, एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोला, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, कि मैंने बोला एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल, या आप बोल सकते हो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, कहने का मतलब कि जो एटम है उसी को रिपीट कर करके मैटर बनेगा। अभी एटम को हमने डिवाइड कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करोगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन 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 ऐड करोगे तो मैटर नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों रहेंगे तब एटम बनेगा, तब एटम का एग्जिस्टेंस होगा। और बहुत सारे एटम जब रिपीट होंगे तब मैटर बनेगा। जैसे घर, एग्जांपल ले लीजिए घर, ये पूरा जो हमारा घर है वो किससे बनता है? ईंट से बनता है, ब्रिक से, ईंट से, बहुत सारे ईंट लगे होते हैं, तो वो हर एक ईंट एटम है और ये पूरा घर हमारा क्या है? मैटर है ना, मैटर है या कोई एलिमेंट है। और उसका सबसे छोटा पार्ट क्या है? ब्रिक, ईंट। ईंट क्या है? एटम है। लेकिन आपको मालूम है कि ईंट भी डिवाइड हो सकता है। ईंट किससे किससे बनाया? ईंट बनाया सर मिट्टी से, मिट्टी को फिर क्या किया? आग में पकाया, ओवन में, चिमनी में ना, चिमनी रहता है देखो, चिमनी में वहां ईंट बनता है हमारा, तो वहां पे मिट्टी यूज किया हमने, फायर यूज किया, आग, ठीक है, और भी चीजें कुछ यूज की होंगी, पानी यूज किया होगा, क्ले बनाया मिट्टी को गीला करने के लिए। देखो पानी, आग, मिट्टी, ये तीन चीज तो वहां पे मिला ही है, इन तीन चीजों से मिलकर बनाया। जैसे मान लो एटम बना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, तो मुझे बताओ मैं बहुत सारा आग, मतलब बहुत सारा आग, आग जलाऊं और बहुत सारा आग यहां से लेके मान लो फिफ्थ फ्लोर तक, पांचवें फ्लोर तक मैं आग भेजता रहूं तो क्या घर बन जाएगा? या पांचवें फ्लोर तक पानी को भेज दूं क्या घर बन जाएगा? या मिट्टी को घर बन जाएगा? नहीं। लेकिन इन तीनों को जोड़ के अगर ईंट बना दूं तो ईंट को जोड़ जोड़ के आप घर बना सकते हो। वही कॉन्सेप्ट को समझो। तो एटम एक फंडामेंटल यूनिट है, मतलब एटम को रिपीट करेंगे तो ही मैटर बनेगा। इलेक्ट्रॉन को रिपीट करेंगे तो मैटर नहीं बनेगा, प्रोटॉन को रिपीट करेंगे तो मैटर नहीं बनेगा, न्यूट्रॉन को रिपीट करेंगे तो मैटर नहीं बनेगा, एटम को रिपीट करेंगे तो ही मैटर का एग्जिस्टेंस होगा, तो ही मैटर बनेगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तब एटम का एग्जिस्टेंस होगा। तो ये थ्योरी बाद में पता चली, बाद में डिस्कवरी हुई, इसलिए बाद वाले लेसन में पढ़ना है हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो पहला रीजन था इनके पोस्टुलेट्स को फेल्योर का, ड्रॉबैक जिसको हम बोलते हैं। दूसरा ड्रॉबैक क्या था, ये समझ रहे हैं? दूसरा ड्रॉबैक था इनका कि इन्होंने बोला था, देखो ना, सेम एलिमेंट्स हैव सेम साइज, अगर एलिमेंट सेम होगा तो उसका साइज सेम होगा, उसका मास सेम होगा, वजन जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। लेकिन पता चला बाद में कि एक ही एलिमेंट के एटम का साइज अलग अलग भी है। जैसे आप गए मार्केट में आलू खरीदने, आलू बोलो, पोटैटो, बटाटा, आलू खरीदने गए, तो जब आप आलू खरीदने जाओगे मार्केट में तो आप देखेंगे आलू वाले के पास आलू हर तरह का है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। क्या आलू, सारे आलू का साइज सेम है? नहीं भाई, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, अलग अलग साइज का होगा ना, अलग अलग मास होगा उसका, अलग अलग वजन होगा, कोई 5 ग्राम का होगा मान लो, कोई 10 ग्राम का होगा, कोई और ज्यादा का होगा। तो आलू का अलग अलग वजन होगा, अलग अलग मास होगा, लेकिन खाने में तो आलू ही है ना, टेस्ट तो वही रहेगा ना। ये तो नहीं आलू टमाटर बन जाएगा या आलू बैंगन बन जाएगा, कुछ और चीज बनेगी क्या? आलू तो आलू ही रहेगी, बस क्या है वो अलग अलग मास में। ठीक उसी तरह एलिमेंट भी, जब एलिमेंट को खोजा गया, एलिमेंट के बारे में ढूंढा गया, पता किया गया, तो पता चला कि एलिमेंट के एटम भी अलग अलग मास में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। जो फिर से ना बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले लेसन पढ़ेंगे। अब ये मत बोलना सर आप बार बार बोल रहे हो वहां पढ़ना है, एक्चुअली इस लेसन में बस के बारे में डिस्कशन नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं अभी। और जब क्योंकि अभी बता रहा हूं कि ये चीजें हैं, फिर इन चीजों को इलैबोरेट करूंगा अगले लेसन में, क्योंकि वो चीजें अगले लेसन की है। तो आइसोटोप के बारे में नहीं बताया उन्होंने, किसके बारे में बेटा? आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स का मतलब एक ही एलिमेंट है और वो अलग अलग मास, जैसे कार्बन का एग्जाम्पल ले लो,
कार्बन का जो मास होता है, एटम का मास, एटॉमिक मास, इसके बाद वाला टॉपिक हमारा रहेगा, वहां पे देखेंगे एटॉमिक मास के बारे में। फिलहाल समझो कि कार्बन का जो है ना मास वो 12 है, और उसी कार्बन का 14 भी मिला, ज्यादा 12 वाले मिले, 12 वाले बहुत ज्यादा मिले, मान लो 90% मिले, और 14 वाले 10% मिले। लेकिन भाई कार्बन का जो एटम है वो अलग अलग मास में भी तो है, 12 वाला भी है, 14 वाला भी है, एक का 12 है एक का 14 है, तो स्लाइटली डिफरेंट है ना। तो मतलब ये थ्योरी भी उनकी गई, जो उन्होंने बोला सेम एलिमेंट की सेम मास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वजन अलग हो गया। उसी तरह उन्होंने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट का मास जो होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन ऐसा इत्तेफाक से ये हुआ कि दो अलग अलग एलिमेंट के एटम का मास सेम आया, जिसको हम आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार आगे पढ़ेंगे, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम। यहां पे एटॉमिक नंबर के बारे में, तो एटॉमिक नंबर आपको पता ही नहीं है तो डिस्कस करेंगे तो फिर आगे क्लियर हो गए बातें, टेंशन मत लो। तो आइसोबार कहने का मतलब कि यहां पे क्या हुआ कि सर एलिमेंट जो है ना अलग अलग थे, जैसे आर्गन एक एलिमेंट ले लो या कैल्शियम एक एलिमेंट ले लो, दोनों का वजन 40 है, 40। अब 40 क्या है, 40 U, 40 U, यू मतलब यूनिफाइड मास, ये इसकी यूनिट है, या आप ग्राम में रख लो, ग्राम में कंसिडर कर लो, ग्राम में। अब इस चीज को डिस्कस करेंगे कि यू क्या है या ग्राम क्या है एटॉमिक मास वाले टॉपिक में, ठीक है। तो ये बेटा इनके रीजन था, उनके फेल्योर का, ड्रॉबैक्स का, कि उन्होंने जो बोला कि एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में पता चला कि एटम तो डिवाइड हो गया था इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, और उन्होंने बोला था कि अगर एलिमेंट जो होगा एलिमेंट के एटम सेम एलिमेंट के होंगे, अगर सोने के गोल्ड का एटम, मान लो गोल्ड का एटम, मान लो गोल्ड के बहुत सारे एटम है, तो वो सब उन्होंने बोला कि हर एक एटम का मास जो होगा, वजन जो होगा वो सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे कार्बन का ही देख लो, कार्बन के कुछ एटम का मास 12 आया और कुछ एटम का मास 14 आया। उसी तरह उन्होंने बोला अलग अलग एलिमेंट का मास अलग अलग होगा, लेकिन अलग अलग एलिमेंट का मास सेम आ गया, जैसे आर्गन का और कैल्शियम का सेम आ गया। या फिर ये एग्जाम्पल नहीं मजा आ रहा है तो ले लो कार्बन का ही, कुछ कार्बन 14 वाले थे और कुछ कार्बन 14 वाले तो थे ही, और नाइट्रोजन का भी 14 होता है, तो ये ले लो। तो ये थे ड्रॉबैक्स। तो बच्चों आज के इस सेशन में हमने कवर किया डाल्टन्स के पोस्टुलेट को, डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी को, और हमने एटॉमिक साइज के बारे में देखा, और डाल्टन्स के ड्रॉबैक्स को देखा कि डाल्टन्स की थ्योरी क्यों फेल्योर हुई थी, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है, तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।